450 एप्पल यानी कि सेब में से 30% खराब हैं तो कितने एप्पल अच्छे हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, कुछ हमारे पास एप्पल हैं, कितने हैं? 450 हैं टोटल मिलाकर के, और इसमें से 30% खराब हैं तो कितने अच्छे हैं ये हमको पता लगाना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग खराब सेबों की संख्या निकाल ले रहे हैं। खराब सेब कितने हैं? तो देखिए खराब सेब हैं कितने, 30% कितने का, 450 का। तो ये हो जाएगा कितना, 450 का 30%, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 450 है, का जब हम हटाएंगे तो गुना लगेगा, यहाँ पर 30 है और यहाँ परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 लग जाएगा। तो देखिए इस तरह से ऊपर नीचे अगर हो तो 0 0 कट जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। इस तरह से फ्रेंड्स नीचे एक बचा है तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि एक का भाग करने पर उतना ही हो जाता है। तो कुल मिलाकर हमारा बचा है 45 × 3। इसका जब हम गुणा करेंगे तो 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12 और 1 = 13। तो देखिए 135 सेब खराब हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये खराब सेबों की संख्या कितनी है, 135 सेब, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि अच्छे सेब कितने हैं। तो हम क्या करेंगे, तो जो टोटल संख्या है उसमें से अच्छे सेब में से हम जो खराब है उसको हम माइनस कर देंगे। तो देखिए हासिल देंगे, 10 में से 5 गया, यहाँ बचा 5, यहाँ 4 में से 3 गया ये 1 और 4 में से 1 गया। 315 सेब अच्छे हैं। कितने सेब अच्छे हैं, 315 सेब अच्छे हैं। अब ये तो हो गया फ्रेंड्स नॉर्मल तरीका, ठीक है, कि नॉर्मली हम लोग ऐसे ही करते हैं। लेकिन अगर आपको फटाफट स्मार्ट तरीके से करना है, फटाफट दिमाग में ही करना है, स्मार्ट तरीका क्या है इसका फ्रेंड्स, तो स्मार्ट तरीका से करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे पास हैं 450, ठीक है, 450 टोटल सेब हैं। अब इसका 30% तो खराब हो चुका है, तो खराब हो चुका है ना, लेकिन ये तो खराब हो गया है। तो देखिए 30% खराब, और हमारा टोटल होता कितना है, 100%, कुल मिलाकर 100% होता है, जिसमें से 30% खराब है। तो हमें निकालना कौन सा वाला है, तो देखिए 100 में से 30 खराब निकाल दिए तो कितना बचेगा, 70%। इसका मतलब ये हो गया कि हमें 450 का 70% निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए कैसे करेंगे, तो ये आपने दिमाग में हमेशा आप बना लीजिए कि जितना भी आपका खराब है उसको आपको निकालने के बाद जो अच्छे हैं वो कितने हैं। तो देखिए टोटल हैं 450, इसको हम लोग लिख लेंगे, अच्छे सेब कितने हैं 70%, उसको हम लोग लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, पीछे से हम 0 0 हटा देंगे, इसके बाद हम गुणा कर देंगे। तो देखिए यहाँ कितना बच रहा है, 45 और 7, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 7 × 5 = 35, हासिल लगा 3, 7 × 6 = 28 और 3 = 31, 315 सेब। देखिए फटाफट से आ गया कि नहीं, तो देखिए इतना न करके अगर आप स्मार्ट तरीके से करना चाहें तो आप देख लीजिए कि कितने खराब हैं, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिस्काउंट, जैसे प्रोडक्ट पर डिस्काउंट होता है कि इतने डिस्काउंट हैं तो इतना रुपए MRP है तो कितना देना, सेम वैसे ही क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर आपको जो भी आपको निकालना हो उसको 100 में से निकालने के बाद जितना आपको टोटल चाहिए उसका उतना परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, हम लोग वो संख्या लिख लेते हैं, पीछे से 0 0 हटाकर हम गुणा करेंगे, डायरेक्ट हमारी वो संख्या आ जाएगी। अब फ्रेंड्स देखिए कैलकुलेटर से कैसे करेंगे इसको, अगर कैलकुलेटर से हमें निकालना हो कि अच्छे सेब हमें कितने बच रहे हैं, तो कैलकुलेटर ट्रिक इसकी क्या होगी, हम क्या करेंगे, यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है 450, तो हम 450 एंटर करेंगे, इसके बाद हम यहाँ माइनस लगाएंगे। अब इसके बाद हमें कितना खराब है, 30% खराब है, तो हम यहाँ 30 एंटर करेंगे, माइनस एंटर करने के बाद फिर परसेंट लगा देंगे। जैसे ही इतना एंटर करेंगे फ्रेंड्स, फटाफट से हमारा आंसर आ जाएगा 315। जी हाँ, 315 क्या है, ये सेब हैं, इतने सेब क्या हैं, अच्छे हैं। तो इस तरह से हम अपना क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे।